हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू इंडोलोगस आज की इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं तो देखिए हमारी वेरी फर्स्ट वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर इसके बाद हम कुछ और वीडियोस भी इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड हिमसेल्फ एज द पैरट ऑफ हिंदुस्तान राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी अमिर खुसरो तो देखिए अमिर कॉल्ड हिमसेल्फ एज द पैरट ऑफ हिंदुस्तान तो देखिए आमिर खुसरो इज कंसिडर टू तो बी एन आउटस्टैंडिंग लिटरेरी फिगर ऑफ़ द मेडिवल पीरियड तो देखिए मेडिवल हिस्ट्री के टाइम के ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर हैं क्युं? क्यों क्योंकि ये एक फेमस पोएट थे हिस्टोरियन थे एज वेल एज अ म्यूज़िक कंपोजर ही वॉज़ पेट्रोनाइज बाय निज़ामुद्दीन औलिया तो देखिए पैट्रोनाइज का मतलब वो होता है कि एक ऐसा पर्सन जो किसी आर्टिस्ट को फाइनेंशियली सपोर्ट करे उसको उसके करियर में आगे बढ़ने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल जो निज़ामुद्दीन बेहतरीन औलिया थे इन्होंने फाइनेंशियली और मेंटली सपोर्ट किया था आमिर खुसरो को इन ऑर्डर टू ग्रो तो देखिए अपने फील्ड में ग्रो करने के लिए ही वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय निज़ामुद्दीन औलिया ये भी आपने याद रखना है और इन्हें हिंदुस्तान का तोता यानी कि पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ ग्रेट हिंदू लॉ मेकर तो देखिए इनमें से जो ग्रेट हिंदू लॉ मेकर थे अकॉर्डिंग टू हिंदू माथोलॉजी ही वॉज ऑप्शन नंबर सी मनु तो मनु ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इज कंसिडर टू बी द फर्स्ट हिंदू लॉ मेकर अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म मनु वॉज द फर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड द नेम ऑफ द फर्स्ट मनु वॉज स्वयं भुवा मनु

ए यानी कि मोहम्मद हसन तो मोहम्मद हसन ये रियल नेम था आमिर खुसरो का यू हैव टू रिमेम्बर दिस पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए अबुल हसन यमीउद्दीन आमिर खुसरो अचीफ लिविंग नियर डेली अराउंड अराउंड द सेंचुरी ही वॉज द पोएट सिंगर एंड म्यूजिशियन तो ये एक फेमस फेमस हिस्टोरियन पोएट सिंगर और म्यूजिशियन भी थे और फोरटीन सेंचुरी के आसपास पास ही डेली में रहते थे और ये आपने याद रखना है और, और

मोइनुद्दीन चिश्ती चिस्ती तो देखिए मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती चिस्ती ही इज़ कंसिडर टू बी द फाउंडर ऑफ सूफिज्म इन इंडिया ख्वाजा मोईउद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती ए डिसाइपल ऑफ ख्वाजा उस्मान हरूनी तो देखिए ही वॉज द डिसाइपल ऑफ ख्वाजा उस्मान हरूनी इनका नाम भी आपने याद रखना है डिसाइपल मतलब एक तरीके से शिष्य द प्रोफ फाउंडर ऑफ दिस ऑर्डर इंट्रोड्यूस्ड इट इन इंडिया तो इन्होंने सुफिजम को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था ही केम टू इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान से आए थे विथ द आर्मी ऑफ शिहाब उद्दीन गोरी इन 1192 एडी एंड स्टार्टेड लिविंग परमानेंटली इन अजमेर फ्रॉम 1195 और इन्होंने इंडिया में आकर अजमेर में रहना स्टार्ट कर दिया था 1195 से और ये अफगानिस्तान से आए थे मेनली आपको याद रखना है ख्वाजा मोनुलद्दीन जिस ये इंडिया में सूफिज्म के फाउंडर थे ये किसके डिसाइपल थे और ये किसकी आर्मी के साथ आए थे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कभी भी आपसे एग्ज़ाम्स में एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं ईदर इन लाइन वन लाइनर फॉर्म या फिर आपको बहुत ज़्यादा वो दे देते हैं जैसे आपको कंक्लूजन्स दे देते हैं और आपको बताना होता है स्टेट्समेंट दे देते हैं आपको स्टेटमेंट्स दे, दे देते हैं तो उस फॉर्म में भी आपसे ये पूछा जा सकता है तो आपको ये याद रखना है सो नेक्स्ट क्वेश्चन आमिर खसरो वॉज द कोर्ट पोयट ऑफ विच रूलर राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पोयट थे आमिर So, important point dekh when Khilji's nephew and son-in-law Alauddin captured power by killing 70-year-old Jalaluddin, he still kept Amir Khusro in the court. नेक्स्ट क्वेश्चन आमिर खुसरो वॉज द डिसाइपल ऑफ तो देखिए डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य तो आमिर खुसरो ये किसके डिसाइपल थे तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी निज़ामुद्दीन औलिया. तो निज़ामुद्दीन औलिया मैं आपको बता चुकी थी कि ही वॉज पेट्रोनाइज आमिर खुसरो वॉज पेट्रोनाइज बाय निज़ामुद्दीन औलिया हु सपोर्टेड हिम इन हिज वर्क At the age of eight, he became a disciple of the famous, famous Sufi Hazrat Nazamuddin. तो देखिए इनका पूरा नाम था Hazrat Nazamuddin Aulia. Next question, When was Prophet Muhammad born? Right answer हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. Option number A, यानी yani कि 570 AD. तो देखिए according to Islam uh, belief, जो Prophet Muhammad थे इनका जो जन्म हुआ था वो 570 AD में हुआ था. तो देखिए मोहम्मद 570 एडी टू 8 जून 632 एडी वाज द फाउंडर ऑफ इस्लाम सो प्रॉफिट मोहम्मद ही इज कंसिडर टू बी द फाउंडर ऑफ इस्लाम अकॉर्डिंग टू इस्लामिक बिलीफ ही वाज अ प्रॉफिट एंड अ मैसेजर ऑफ गॉड आल्सो नोन एज द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम नेक्स्ट क्वेश्चन गुरु नानक देव बॉर्न राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि फोरटीन सिक्सटी नाइन ए डी तो फोर्टीन हंड्रेड सिक्सटी नाइन ए डी में गुरु नानक देव जी इनका जन्म हुआ था ही वॉज द फर्स्ट आदि गुरु ऑफ सिख एंड ऑल्सो ही इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ सिखिज्म तो सिखिज्म के ये फाउंडर माने जाते हैं हिज फॉलोअर्स एड्रेस हेम बाय द नेम्स ऑफ नानक नानक देव जी बाब, बाबा नानक एंड नानक शाह तो इन नामों से ये जाने जाते हैं ये इनके कुछ एक्सट्रनिक नेम्स हैं नानक इन इज पर्सनैलिटी अ फेमस फिलासफर योगी हाउस होल्डर रिलीजियस रिफॉर्मर सोशल रिफॉर्मर पोएट पैट्रियॉट विश्व बंधु ही हैड ऑल दीज क्वालिटीज तो ये भी आपने याद रखना है सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन बाई वॉट नेम डेड गुरु नानकस डिसाइपल लाहना लेटर बिकम फेमस तो देखिए पहले हमें सिंपली बताना है कि जो लाहना हु वॉज वन ऑफ द डिसाइपल ऑफ़ गुरु नानक देव जी तो इनके इनका जो बाद में नाम था या किस नाम से ये जाने जाते थे लेटर ऑन राइट आंसर हो जाएगा अंगद तो ऑप्शन नंबर बी अगंद और अंगद सो तो इनको अगंद भी कहते हैं ये आपने याद रखना है एंड ऑल्सो ही इज़ कॉल लेस अंगद अंगद देव जी द फॉर्मर नेम ऑफ अंगद देव वॉज लाहना तो इनका पुराना नाम

फेमस म्यूजिशियन ऑफ द पास्ट त्यागराज वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ कर्नाटका म्यूजिक तो कर्नाटका म्यूजिक के ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन थे फेमस पर्सन थे ही वॉज द ग्रेट नोअर ऑफ कर्नाटका म्यूजिक एंड अ फेमस पोएट ऑफ भक्ति मार्ग तो ये भक्ति मार्ग के एक फेमस पोएट थे और कर्नाटका म्यूजिक को प्रमोट करते थे त्यागराज इनरेस्ट सोसाइटी एंड लिटरेचर एज वेल एज आर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन who is known as who is known in the world of music as the wizard of sitar ya simply who is known as the wizard of sitar in the world of music राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी रहीम सेन तो रहीम सेन इनको कहा जाता है एज द विजार्ड ऑफ सितार रहीम सेन इज नोन एज द मैजिशियन ऑफ सितार और द विजार्ड ऑफ सितार तो विजार्ड का मतलब भी होता है जादूगर और सिंपली जो मैजिशियन होते हैं इनका मतलब भी होता है जादूगर सो ही इज़ इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक तो रहीम सेन इनका नाम आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वट वॉज द रियल नेम ऑफ गुरु नानक राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि नानक सिंपली जो गुरु नानक देव जी थे इनका रियल नेम अगर हम बात करें इनके रियल नेम की तो ये था नानक नानक इज द फर्स्ट आदि गुरु ऑफ सिख हिज फॉलोअर्स कॉल्ड हिम नानक नानक देव जी बाबा नानक एंड नानक शाह ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वट वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन राइट like आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि राम तनु पांडे इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो तानसेन थे वॉज वन ऑफ द ग्रेट म्यूजिशियन इनका रियल नेम क्या था राम तनु पांडे तानसेन तो तानसेन ही वॉज बॉर्न इन फोर्टीन थ्री और या फिर इनका जो एग्जैक्ट बॉर्न की डेट है वो कन्फर्म नहीं है तो देखिए फोटीन नाइन्टी थ्री फिर भी मानी जाती है और फिफ्टीन हंड्रेड टू ट्वेंटी सिक्स अप्रैल फिफ्टीन एटी नाइन ऑल्सो रिफर टू एस मियान तानसेन और राम तनु पांडे वॉज़ अ प्रोमिनेंट फिगर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था फ़ोटीन नाइन्टी थ्री में और फिफ्टीन हंड्रेड में तो देखिए जो तानसेन थे इनके जो गुरु थे उनका नाम था हरिदास ये भी आपने याद रखना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वट वॉज़ द रियल नेम ऑफ़ गौतम बुद्ध राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिद्धार्थ तो सिद्धार्थ ये रियल नेम था गौतम बुद्ध का तो देखिए द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्ध व सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ही वॉज बॉर्न इन 563 हंड्रेड सिक्सटी थ्री बी सी निर्वाण फोरटीन एटी थ्री बी सी देखिए इनकी जो डेथ हुई थी फोरटीन फोर हंड्रेड एटी थ्री बी सी में हुई थी एट निर्वाणा वॉज अश्रमान वॉज अश्रमान हु ऑन टीचिंग्स वॉज अश्रमान वॉज अ श्रमान ऑन हूज टीचिंग बुद्धिज्म बिकेम पॉपुलर ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी इनका जन्म हुआ था लुमिनी में और डेथ हुई थी निर्वाना में इन फाइव हंड्रेड सिक्सटी थ्री बी सी सी इन द हाउस ऑफ किंग सुबोधन ऑफ द एक बक्षु डाइनेस्टी क्षत्रिय साकि लैंड तो देखिये साकििक लैन की एक एक वक्शु डाइनेस्टी थी उनमें इनका जन्म हुआ था हिज मदर्स नेम वहा तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अबाउट गौतम बुद्धा ये भी आपने याद रखने हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वट वॉज़ द रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि नरेंद्र नाथ दत्त नरेंद्र नाथ दत्त इट वॉज़ द रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद इनका जन्म हुआ था ट्वेल्थ जनवरी 1863 में और डेथ हुई थी फोरथ जुलाई 1902 में फोर्थ जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं द इंडिपेंडेंस डे ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए का इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है फोर्थ ऑफ जुलाई को और जो ट्वेल्थ जनवरी है इस दिन सेलिब्रेट करती है नेशनल यूथ डे हेज़ नेम वाज हिज रियल नेम वाज नरेंद्र नाथ तत् तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से क्योंकि आर्ट और कल्चर से जो टॉ क्वेश्चन होते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो हमें उनका जो आंसर है वो पता होना चाहिए इसकी इस फील्ड में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए तो हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे तो अभी हम देख लेते हैं होमवर्क क्वेश्चन तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है बाई वॉट नेम डेट गुरु नानक्स डिसाइपल लाहना लेटर बिकम फेमस तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो Uh, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इन ऑर्डर टू सपोर्ट अस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स